हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल हरी चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ फ्रेंड्स, वो भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो यह है दही वाली हरी चटनी फ्रेंड्स। यकीन जानिए, जब आप इसे मेरे तरीके से बनाएंगे तो यह रेस्टोरेंट से 10 गुना ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल हरी चटनी। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा धनिया पत्ता लिया है और इसे अच्छे से धो के छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है ताकि इसे ग्राइंड करने में हमें सुविधा हो। इसके बाद मैंने इसमें 5-6 हरी मिर्च लिया है, इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। इसके बाद 1 इंच अदरक का टुकड़ा और बहुत सारी लहसुन की कलियां को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी। इसके बाद भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, हमेशा भुना हुआ जीरा पाउडर यूज करें, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। स्वाद अनुसार नमक लें, 1/2 चम्मच काला नमक। इसके बाद मैंने इसमें 100 ग्राम दही डाला है। अब इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना है। इसके बाद मैं अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालूंगी जो कि है हींग। बस चुटकी भर हमें डालना है, इससे 10 गुना ज़्यादा इस चटनी का स्वाद बढ़ जाएगा। इस चटनी को हम बहुत सारे चीज़ों के साथ खा सकते हैं, किसी भी स्टार्टर्स के साथ ले सकते हैं हम इस चटनी को। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आज ही ज़रूर ट्राई करें, यह 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।